नमस्कार जोहार प्रणाम, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल ट्रेंड्स। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव नतीजों ने राज्य में डीएमके की सरकार बनते दिख रही है। पार्टी को बहुमत मिलने के संकेत हैं। विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती आज सुबह शुरू हुई। रुझानों में एमके स्टीलन के नेतृत्व वाला डीएमके गठबंधन 140 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करता दिख रहा है। एमके स्टालिन कोलाथपुर से आगे चल रहे हैं। उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन चेपक से और कमल हासन कोयम्बटूर दक्षिण से आगे चल रहे हैं। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों के लिए 6 अप्रैल को एक चरण में मतदान हुआ था। सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और डीएमके ने सहयोगी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा। कमल हासन की मक्कल निधि मैयम ने टीटीवी दिनकरन की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। विपक्षी द्रमुक, जिसने पिछली बार 2006 और 2011 के बीच शासन किया था, अब राज्य में AIDMK की जगह लेती दिख रही है। बता दें कि कोरोना के बीच तमिलनाडु में 234 सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग हुई थी। शुरुआती रुझानों में डीएमके गठबंधन को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। पार्टी के बढ़त को देखते हुए समर्थकों ने चेन्नई में पार्टी मुख्यालय के बाहर जश्न मनाया है। रुझानों के अनुसार द्रमुक कुरिंजीपिडी नेवल्ली विरुद्धचलम समेत कई सीटों पर आगे। भाजपा के राज्य इकाई के अध्यक्ष एल मुरुगन धारापुरम और राज्य के मंत्री केसी वीरामणि एवं बेंजामिन क्रमस चालोरवट और मादुरवोयल सीटों से आगे। अन्नाद्रमुक के शीर्ष नेता के पलानी स्वामी सलेम जिले के इड्डापड्डी विधानसभा सीट से आगे चल रहे हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम द्रमुक के टी तमिल सुलेवियम से मामूली अंतर से पीछे चल रहे हैं।